चलो गुड इवनिंग आप सभी को। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी से आइए सभी बच्चे, लाइव आ जाएं, क्लास को चालू करते हैं। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं जरा उसको। ठीक है भाई, चलिए संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ये भी सवाल काफी अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। यहाँ लिखा कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी बनता है उसमें एटीपी बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ये भी सवाल काफी अच्छा हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो ये सब सवाल जितने मैं आपको दे रहा हूँ, सब आप रट के जाओ, आंसर बिल्कुल आपको रटा होना चाहिए भयंकर तरीके से। ठीक है, देखो भाई, लिखा माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के संवेदक की किसकी आवश्यकता होती है बच्चों, यहाँ पर हमेशा एटीपी के फॉर्मेशन के लिए, एटीपी के फॉर्मेशन के लिए हमेशा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्या चाहिए आपको, बार बार आपको क्या चाहिए भैया, ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ पे एटीपी के संश्लेषण के लिए हमेशा हमेशा आपका ऑक्सीजन बहुत ही मस्ट भी रिक्वायर्ड होती है। बिना ऑक्सीजन के आप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी नहीं बना सकते, क्योंकि आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैसा होता है बच्चों, सेलुलर रिस्पिरेशन होता है, कोशिकीय श्वसन होता है, सेलुलर रिस्पिरेशन होता है, कोशिकीय श्वसन होता है। और आपको पता है कोशिकीय श्वसन कराने के लिए हमेशा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीडेशन कराने के लिए मस्ट भी रिक्वायर्ड ऑफ ऑक्सीजन, श्वसन कराने के लिए। अगर आप किसी भी चीज का ऑक्सीकरण करोगे तो हाँ ऑक्सीजन चाहिए, जब कोई चीज टूटेगी तब जाकर के एटीपी बनता है। बस समझिए क्यों जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, क्योंकि जब आप कोई चीज, मान लीजिए आपने कोई भी खाना खाया तो उसको तोड़ने के लिए हमेशा ऑक्सीजन चाहिए, और उसका ऑक्सीकरण आप करवाएंगे, जब ऑक्सीकरण करवाएंगे तब जाके हमेशा ऊर्जा मिलेगी, और जो ऊर्जा हमें मिलेगी वो किस रूप में मिलेगी, एटीपी के रूप में मिलेगी। तो जब किसी भी चीज का ऑक्सीकरण होगा तब जाके हमें एनर्जी मिलती है, तब जाके हमें एटीपी मिलती है। और ऑक्सीकरण करवाने के लिए हमें ऑक्सीजन मस्ट भी रिक्वायर्ड, हमें ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। बिना ऑक्सीजन के आप एटीपी का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, बिना ऑक्सीकरण के आप एटीपी का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, बिना ऑक्सीजन के आप एटीपी का फॉर्मेशन। ठीक भाई, ये बात सामने आ रही हुई, क्यों एटीपी की ऑक्सीजन चाहिए, तो जिस वजह से ये मैंने आपको बता दिया, आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। ठीक भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के संग्रह किसकी आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन देखते हैं। जो बीजांकुर सीड जर्मिनेशन के समय उत्पन्न होता है, ये भी सवाल कई बार पूछा गया कि जब सीड जर्मिनेट करता है, जब कोई भी सीड जर्मिनेट करेगा बच्चों, तो हमेशा यहाँ पे क्या निकलेगी, हीट निकलती है, ऊष्मा। क्या चीज भैया, हमेशा यहाँ पे क्या निकलेगी आपकी, ऊष्मा निकलती है, हीट। याद करके जाइए, जबरदस्त सवाल है कि बीज सीड जर्मिनेशन के समय हमेशा यहाँ पे क्या होगा भैया। ठीक है भाई, तो सीड जर्मिनेशन, ठीक है, एन के बाद ए होगा, तो सीड जर्मिनेशन के समय उत्पन्न होता है भैया, क्या उत्पन्न होती है, हीट या उष्मा उत्पन्न होती है। यहाँ पे जनरेट होता है, नोट कर लीजिए, भी सवाल काफी अच्छा है कि बीजांकुरण किस समय उत्पन्न होता है, तो क्या उत्पन्न होती है बच्चों, हमेशा, ठीक है, उष्मा उत्पन्न होती है। चलो बच्चों का सवाल देखते हैं जरा, क्या नेक्स्ट देखा बच्चों, यहाँ पे अनाक्सी श्वसन में शर्करा के अपूर्ण ऑक्सीडेशन से क्या बनता है। बच्चों यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने C6H12O6 ले लिया, और बच्चों अगर यहाँ पे आपने ऑक्सीजन नहीं लिया, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो जाए, अबसेंट हो जाए, अनुपस्थित हो जाए, बच्चों ये किसमें टूट जाता है, C2H5OH में टूट जाता है, प्लस उसके साथ क्या निकलती है बच्चों, उसके साथ CO2 निकल जाती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ऑक्सीजन नहीं है, जब ऑक्सीजन नहीं है बच्चों तो कैसा ऑक्सीकरण होता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, कैसा होगा, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो आंसर क्या होगा, एल्कोहल तथा CO2, क्या होगा भाई, एल्कोहल तथा CO2 अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। और मैंने बताया कि अपूर्ण ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन हमेशा नहीं होती, इनकम्प्लीट होती है, अब्सेंट होती है। तो जब हमेशा ऑक्सीजन अब्सेंट होगी तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, पहला सवाल आपका, पहला आंसर, तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में शर्करा की अपूर्ण ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एल्कोहल तथा CO2। ठीक भाई, इसको भी नोट कर लीजिए आराम से। ठीक भाई, नोट कर लीजिए बिल्कुल, एक एक सवाल आराम से। अगला सवाल देखते हैं क्या है, नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। लिखा बच्चों, ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन के मध्य क्या होता है। यहाँ पे देख लें, ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन के मध्य कौन सा पथ चलता है। ठीक है, तो ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन के मध्य कौन सा पथ चलता है, जल्दी से आंसर बताइए। ठीक भाई, ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन के मध्य कौन सा पथ चलता है,
जल्दी से बताओ भाई क्या चलेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, ग्लाइकोलिसिस। क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस आपका आंसर सेकंड हो जाएगा। याद कर लें, ये कैसा होता है बच्चों, इसमें ऑक्सीशोषण होता है। कैसा होगा? इसमें ऑक्सीशोषण होता है हमेशा क्रैब चक्र में, हमेशा क्रैब चक्र में ऑक्सीशोषण होता है। क्रैब साइकिल जो चलती है वो हमेशा उसमें ऑक्सीजन बनती है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है बच्चों, ना तो CO2 बनती है ना तो O2, मतलब इसके अंदर किसी भी चीज का फॉर्मेशन नहीं होता। ग्लाइकोलिसिस में O2 और CO2 दोनों नहीं बनता, याद कर लो बिल्कुल। और क्रैब चक्र में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो क्रैब चक्र ऑक्सीशोषण होता है। तो क्या आपको पता है क्रैब साइकिल कहां चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और जब ग्लाइकोलिसिस कहां चलती है भैया? ये किसी के अंदर चलती है, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे कोई भी हो, सबके अंदर चलता है ग्लाइकोलिसिस। लेकिन कभी भी ये क्रैब साइकिल कभी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं चलती, क्यों? माइटोकॉन्ड्रिया कभी बैक्टीरिया के अंदर नहीं चलता, बैक्टीरिया के अंदर कभी माइटोकॉन्ड्रिया पाया नहीं जाता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात, जब नहीं पाया जाए तो क्रैब चक्र कहां से चलेगा? उसमें चलेगा नहीं। ठीक है, तो ये जो होता है ऑक्सी तथा अनऑक्सी, मतलब ये हमारी बॉडी में भी चल सकता है और बैक्टीरिया की बॉडी में भी चल सकता है, मतलब सभी जीवित चीजों में ग्लाइकोलिसिस चलती है। ये बात याद कर लीजिए, सभी लिविंग चीज में, सभी लिविंग, अगर सभी जितने भी लिविंग चीजें पूरी दुनिया में, उन सबके अंदर क्या चलेगा? ग्लाइकोलिसिस। लेकिन जितने भी लिविंग चीजें उनके अंदर क्रैब चक्र चले जरूरी नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर कभी नहीं चलेगा। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर नहीं चलेगा, उसके अंदर ग्लाइकोलिसिस चलेगी, बैक्टीरिया मैट हमारा क्या नाम है उसमें क्रैच चैकल नहीं चलेगी। ये बात समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, चलो तो आंसर आपका सेकंड हो गया। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है। देखिए बच्चों, पाइरुविक अम्ल से एसिटिल कोएंजाइम का निर्माण किस परिणाम के स्वरूप बनता है? देखिए भाई, आपको पता है यहाँ पे बनेगा CH3COCOOH। इसमें कितने कार्बन है? तीन कार्बन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पाइरुविक अम्ल। क्या बोलेंगे? पाइरुविक अम्ल बोला जाता है इसको, पाइरुविक अम्ल। पाइरुविक अम्ल जब बच्चों ये पाइरुविक अम्ल जाता है क्रैच चैकल के अंदर, तो पहले कन्वर्ट होता है एसिटिल को एंजाइम ए में, एसिटिल को एंजाइम ए में। इसमें कितने कार्बन होते हैं? दो कार्बन। बच्चों होता क्या कि यहां से CO2 निकल जाता है, एक CO2 यहां से निकल जाता है। जब निकलता है तो बच्चों इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोला जाता है। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोला जाता है, क्योंकि जब डीकार्बोक्सिलेशन होता है, तो याद कर लीजिए, जब डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो हमेशा CO2 निकल के बाहर जाती है, हमेशा CO2 निकलेगी। आप देखो यहां पे कितने कार्बन है? तीन कार्बन। जब एक CO2 यहां से निकल जाएगा तो कितने कार्बन बचेंगे बच्चों? दो कार्बन। तो दो कार्बन बचता है, तो इसी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की वजह से, इसी की वजह से बच्चों क्या होता है, हमेशा CO2 लॉस होती है, CO2 को निकाला जाता है। तो आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। ये भी सवाल पूछा गया है, पाइरुविक अम्ल से एसिटिल कोएंजाइम ए का निर्माण किस परिणाम के फलस्वरूप होता है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन उसको बोला जाता है, जो मैंने यहां पे लिखा है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोला जाता है। चलो अगला सवाल देखते हैं, एक से कम शोषण गुणांक किसका होता है? अभी मैंने कल बताया था, एक बार फिर बता दे रहा हूं, जो आरक्यू होता है बच्चों कार्बोहाइड्रेट का, फिर से बता दे रहा हूं एक बार, आरक्यू जो होता है जो कार्बोहाइड्रेट का होता है बच्चों, कितना होता है? कार्बोहाइड्रेट का एक होता है। उसके बाद आरक्यू प्रोटीन का, प्रोटीन का बच्चों कितना होता है? प्रोटीन का होता है 0.9। इसके बाद फैट, वसा का कितना होता है बच्चों? वसा का होता है 0.7। कितना होता है? 0.7। तो देखो सुक्रोज का कितना हो जाएगा? एक। वसा का कितना होगा? 0.7। ग्लूकोज का कितना होगा? एक। कार्बनिक अम्ल का कितना होगा? चार। तो आंसर आपका क्या हो गया? आपका आंसर सेकंड हो गया, आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, सेकंड आंसर। देखो भाई, इसका एक, इसका एक, इसका चार, इसका 0.7। तो एक से कम जो होगा वसा का होता है, यहाँ पे लिखा है एक से कम प्रोटीन का भी होता है, वसा का भी होता है, तो यहाँ पे वसा दिया गया, तो आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है, बताओ पाइरुविक अम्ल में कितने कार्बन पाए जाते हैं? जल्दी से बता दो बच्चों भाई, CH3COCOOH। ये भैया आपके सामने फार्मूला लिखा है, बता दो आंसर क्या होगा? तीन हो जाएगा। अगला सवाल लिखा है यहां पे, नेक्स्ट
लिखा बच्चों साइटोक्रोम का कार्य क्या होता है, बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों। यहाँ लिखा है साइटोक्रोम, जो साइटोक्रोम होता है इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है साइटोक्रोम का। बच्चों याद करें हमेशा इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कराने का काम होता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करवाने में ये मदद करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में मदद करता है ये। तो आंसर आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में इसका फंक्शन होता है साइटोक्रोम का। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो छोटे छोटे आएंगे, बस केवल आपको दिमाग बड़ा लगाना है, क्वेश्चन छोटा होगा हलवा होगा, बस केवल दिमाग आपको छोटा लगाना है, बड़ा लगाना है, ठीक है। अच्छे तरीके से सोचिए, क्वेश्चन को आराम से करिए, चीजें आसान हो जाएंगी। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि मार्फोलॉजी में बिल्कुल तैयार करके जाइए, मार्फोलॉजी और कुल या फैमिली उसको भैया जितना मैंने कराया या आपके पास जितनी फिशेंसी है और पढ़ने की, आप चैप्टर को किताब को किसी भी एंगल से पढ़ डालो, क्योंकि मार्फोलॉजी अगर आपकी तैयार है तो सिलेक्शन 100% पक्का है। दूसरी बात, जंतु जगत एनिमल किंगडम उससे क्वेश्चन अभी मैं मिक्स कराऊंगा बहुत सारे, बट अभी आप जितना भी तैयारी कर सकते हो पूरी तरह से एनिमल किंगडम, मार्फोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स मैंने करा दिया है, बहुत सारी चीजें मैंने करा दिया है, बहुत सारी चीजें करा दी है, आप इतना पढ़ने चले जाओगे सिलेक्शन रोक नहीं पाएगा कोई, तो ये चीज बिल्कुल बेसिक पढ़ के जाइए, आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या लिख रहा है। देखिए बच्चों ऑक्सीशोषण में CO2 निकलता है, यहाँ पे आप देख लें कि जो ऑक्सीशोषण होता है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीशोषण में CO2 निकलता है, ठीक भाई बताओ कितने पदों निकलेगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताइए भाई कितने पदों में निकलेगा। बच्चों तो हमेशा याद करके चले भाई, तीन पदों में ऑक्सीजन निकलती है, थ्री लाइंस में, तीन पदों में, इसको भी याद करके जाइए, ऑक्सीशोषण में CO2 निकलती है कितने पदों में भाई, तो तीन पदों में निकलती है, तीन पदों में ऑक्सीशोषण में CO2 निकलती है, तीन पदों में ऑक्सीशोषण में CO2 निकलती है कितने पदों में, तीन पदों में निकलती है, ये बात आप समझ लें। चलो अगला सवाल देखते हैं जरा क्या है। देखिए बच्चों यहाँ पे श्वसन श्रृंखला में अंतिम साइटोक्रोम है, देखिए श्वसन श्रृंखला में अंतिम साइटोक्रोम होता है, बच्चों याद कर लें जो ETS होता है, ETS इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, पूरा बोला जाता है परिवहन तंत्र, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र बोला जाता है इलेक्ट्रॉन। बच्चों यहाँ पे क्या होता है, ऐसे लिखेंगे साइटोक्रोम बी, उसके बाद C1, उसके बाद C बी सी वन सी, इसके बाद ए, उसके बाद A3। ये बच्चों सीक्वेंस याद करके जाइए, साइटोक्रोम बी से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाता है यहाँ पे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है यहाँ पे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा ए के पास, और सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन A3 के पास जाता है, ये बात समझ लीजिए, ऐसे याद करो बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन बी से चलेगा ई के पास, ई से C1 सी A3 बी C1 A, कभी जान पूछा जाएगा सीक्वेंस पूछेगा बी C1 सी A3, तो आप ये सीक्वेंस याद करके जाओ कि हमेशा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में जो साइटोक्रोम होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया इसके पहले वाला क्वेश्चन, साइटोक्रोम का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का, इलेक्ट्रॉन को लेने का, अभी मैंने बताया तुरंत, तो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है हमेशा कहां चलता है भैया, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3, तो सबसे लास्ट में ये लेता है इलेक्ट्रॉन, सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ये होता है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा, पहला होगा बच्चों ये, तो फर्स्ट साइटोक्रोम भैया होता है, फर्स्ट साइटोक्रोम कौन होता है, फर्स्ट साइटोक्रोम होता है बी, पहली बार इलेक्ट्रॉन यही बी लेगा, और लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है ईटीएस में, इलेक्ट्रॉन में A3, तो आप याद कर लो आंसर आपका हो जाएगा A3 हो जाएगा। एक बात और समझ लीजिए ध्यान से, एक बात और, जैसे कभी कभी जब एग्जाम में देता तो क्या करेगा, हो सकता है बीच में कोई एक यहां से हटा दे, वो दे देगा बी के बाद यहां पे क्या होगा, सी के बाद यहां पे क्या होगा, या सी के बाद यहां पे क्या होगा, हो सकता है इसमें से कोई हटा दे और क्वेश्चन पूछ ले आपसे, बताइए इस जगह पे क्या रहा होगा, तो जब आपको सीक्वेंस याद होगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा, आप सीक्वेंस याद करके जाइए, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, मैं आपको हर तरीका बता दे रहा हूं क्वेश्चन कैसे पूछेगा कैसे आएगा, ये बात क्लियर समझ लीजिए, ठीक है, तो ये सीक्वेंस याद रहेगा तो आपका काम चल जाएगा। चलिए यही अंतिम साइटोक्रोम A3 होता है, आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है, नेक्स्ट सवाल देखिए बच्चों, मैलिक अम्ल का हाइड्रोजन ग्रहण किया जाता है किसके द्वारा, बताओ जरा, जो मैलिक अम्ल होता था याद है हमने बताया था मैलिक अम्ल में कितने कार्बन होते थे, चार कार्बन हुआ करते थे मैलिक एसिड में, मैलिक एसिड में चार कार्बन होते थे, तो वहां पर हाइड्रोजन ग्रहण कौन करता था, तो बच्चों वहां पर हमेशा हाइड्रोजन ग्रहण NAD करता है, कौन करता भैया, NAD करता है, NAD करता है, कौन करेगा, NAD करता है, कौन करेगा, NAD करता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, ग्लाइकोलिसिस में
NADH2 कितना बनता है, ये सवाल कई बार पूछा गया है कि ग्लाइकोलिसिस में NADH2 कितना बनता है। बच्चों याद रखी जाइए, 2 NADH2 बनता है। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। पूरे ग्लाइकोलिसिस में केवल केवल 2 NADH2 बनता है, ये भी याद कर लें। एक जीटीपी से 1 ATP बनता है, ये भी देखो। एक FAD से 2 ATP बनता है, इसको भी याद कर लिया। और एक NAD से 3 ATP बनता है। बच्चों सवाल इसको रट के जाना भैया, ये आपसे पूछेगा एक जीटीपी से कितना ATP बनेगा, एक FAD से 2 ATP, एक NAD से 3 ATP। आप सवाल ऐसे पूछेगा कि अगर बताइए कि अगर आपके पास 50 GTP है तो आप कितना ATP बना पाओगे, तो 50 GTP है तो आप 50 ATP बना पाओगे। अगला सवाल पूछेगा अगर आपके पास 50 FAD है तो कितना ATP बनेगा, तो तुरंत 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 100, 50 FAD से 100 ATP बना पाओगे। अगला सवाल पूछेगा अगर आपके पास 50 NAD है तो आप कितने ATP बनाओगे, 50 NAD है तो बच्चों कितने ATP बनाओगे, 150 ATP बना पाओगे। मतलब कोई भी सवाल पूछे अगर आपको ये याद है तो आप कर ले जाओगे सवाल। मतलब ये रख लो, एक जीटीपी से हमेशा एक ATP बनेगा, एक FAD से 2 ATP, एक NAD से 3 ATP। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। चलो बच्चों सवाल देखते हैं क्या है नेक्स्ट। ठीक है बच्चों, रेफ्रिजरेटर या कम ताप में रखने पर फल कई दिनों तक ताजा बने रहते हैं। आपके घर में फ्रीज पाई जाती है, फ्रीज जिसमें आप चीजों को रख देते हो, चीजें खराब नहीं होती हैं, उसका रीजन क्या है, बताइए आंसर क्या होगा, क्या होगा बच्चों। हमेशा होता क्या कि रेस्पायरेटरी रेट कम हो जाता है, जो श्वसन दर होती है रेस्पायरेटरी, इसको बोलेंगे रेस्पायरेटरी रेट, क्या हो जाता है बच्चों, हमेशा लो हो जाता है, कम हो जाता है। लो मतलब क्या होता है, कम। रेस्पिरेटरी रेट कम, जैसे आप ऐसे याद कर सकते हो आपके घरों में दादाजी होंगे, उनकी उम्र हो गई है और जब वो लंबी लंबी सांसें लेते हैं, जल्दी जल्दी सांसें लेते हैं, तो ऐसा लगता है बिल्कुल अभी मरने वाले हैं। आप ऐसे याद कर लो कि जब वो जल्दी जल्दी सांस लेंगे, बहुत तेजी से सांस लेंगे, तो ऐसा लगेगा कि वो बिल्कुल मरने वाले, खत्म होने वाले हैं। लेकिन अगर वो नॉर्मल सांस लेंगे आराम आराम से, तो बिल्कुल किसी घर वाले को कोई दिक्कत नहीं होती। जब भी आदमी की सांसें बढ़ती हैं, तेजी से बढ़ती, तो उसके लाइफ पे खतरा बन जाता है। इसी वजह से बोला जाता है कि अगर 1 मिनट में 12 से 16 बार आप सांस ले रहे हो तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो, अगर 1 मिनट में आप 30 बार 25 बार ले रहे हो तो इसका मतलब रिस्कियर है, मतलब आप कहीं कहीं जाने वाले हो। तो आप समझ लो भाई यहाँ पे क्या लिखा है, जो रेफ्रिजरेटर होता है, जो फ्रिज होते हैं, उसका ताप कम होता है, जब रेस्पिरेटरी रेट बिल्कुल नॉर्मल से भी कम रहेगा, जितना कम रहेगा उतना आप सेफ रहोगे। जैसे आप कुत्तों को देखो, गर्मी का मौसम होता है, कुत्ते बहुत तेजी से हाँफते हैं, तभी उनका लाइफ स्पान बहुत कम होता है, बहुत तेजी से बिल्कुल आता है, वो हाँफते रहते हैं, हफर हाँफते हैं, उनका लाइफ स्पान बिल्कुल 15 साल होता है, 15 से 20 साल। लेकिन जिसका नॉर्मल होता है बिल्कुल, वो 12 से 15 बार सोच के देखो, लगभग 70-80 साल जीता आराम से। तो ये रीजन होता है क्योंकि वहाँ पर श्वसन दर क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, वहाँ पर श्वसन दर आपकी बहुत कम हो जाती है, तभी फल कई दिनों तक फ्रिज में रेफ्रिजरेटर बिल्कुल सेफ सुरक्षित बने रहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, श्वसन दर कम हो जाती है। चलो अगला सवाल देखते क्या है नेक्स्ट। देखा बच्चों यहां पे निम्न में से किसमें क्रैश चक्र क्रिया माइटोकांड्रिया में नहीं होती, जबरदस्त सवाल है बिल्कुल, नहीं होती, तो आंसर आपका बैक्टीरिया हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले ही कि जो क्रैश चक्र की क्रिया होती है माइटोकांड्रिया में नहीं होती, किसमें भैया, जीवाणुओं में नहीं होती। जीवाणु प्रोकैरियोट होता है, या एक प्रोकैरियोट होता है, एक कोशिकीय होता है, मोनेरा में आता है, मोनेरा ग्रुप का मेंबर है, मोनेरा ग्रुप में आता है, प्रोकैरियोट है, एक कोशिकीय जीव होता है, कभी भी मोनेरा में कोई भी केंद्रक नहीं पाया जाता, मोनेरा में माइटोकांड्रिया नहीं पाया जाता, मोनेरा में कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता सिवाय राइबोसोम को छोड़कर के, राइबोसोम केवल प्रोकैरियोट मोनेरा ग्रुप में पाया जाता है, बाकी कोई भी कोशिकांग मोनेरा ग्रुप में नहीं पाया जाता है। ये बात आप अच्छे तरीके से रट के जाइए, पहला आंसर सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल, देखा लंबी अवधि तक अनाक्षी श्वसन हो सकता है किसमें, बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक अनाक्षी श्वसन किसमें होता है, जल्दी से बताइए। तो किसमें होगा बच्चों, बीजों में हो जाता है, इसमें बीज में, सीड में होता है, बहुत लंबी अवधि तक अनाक्षी श्वसन बीजों में हो सकता है, श्वसन में हो सकता है, बहुत लंबी अवधि तक चलो अगला सवाल। देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से किस अम्ल में
किस अम्ल में पांच कार्बन यौगिक है? इनमें से कौन सा अम्ल पांच कार्बन यौगिक है? इनमें से कौन सा अम्ल पांच कार्बन यौगिक है? जल्दी से बताइए हमें, निम्न में से कौन सा अम्ल पांच कार्बन यौगिक है? फाइव कार्बन। बच्चों आप देखो पायरिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं? तीन कार्बन। सिट्रिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं? छह कार्बन। ऑक्सैलो एस्टिकेशन में कितने कार्बन होते हैं? चार कार्बन। अल्फा कीटोब्यूटाइलेशन में कितने कार्बन होते हैं? पांच कार्बन। तो आपका आंसर पहला हो जाएगा, फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी सारे आप याद कर सकते हो। ठीक है भाई, मैलिक अम्ल में चार कार्बन, एस्पार्टिक अम्ल में चार कार्बन, एसिटिल कोएंजाइम में दो कार्बन, ये सब याद कर लो बिल्कुल। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बच्चे बताएं कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा फंक्शन होता है? जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसके अंदर कौन सी क्रियाएं चलती हैं? बिल्कुल आसान सवाल है, ऐसे क्वेश्चन में लगातार आपको टेस्ट में दे रहा हूं, आपको एग्जाम में करवा रहा हूं, और आप जितना मैंने करा दिया अगर अपना कर लेंगे तो बिल्कुल एग्जाम बिल्कुल धुआं धुआं। आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, सेकंड। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण होता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। चलो बच्चों सवाल देखिए, बच्चों मंद गति से श्वसन करने वाले पादप अथवा पादप ऊतक कौन से होते हैं? बहुत आराम आराम से श्वसन करने वाले ऐसे कौन से पौधे होते हैं जिसमें श्वसन आराम से होता है? आंसर प्रौढ़ एवं परिपक्व, मतलब जो बुढ़े हो जाएंगे, जिसकी एज हो जाएगी, जिसकी उम्र हो जाएगी, मंद गति से। पौधों का सिस्टम अलग है, ह्यूमन का सिस्टम अलग है। ह्यूमन में श्वसन गति बहुत तेज हो जाती है जब मरने वाला होता है, पौधों में श्वसन गति क्या हो जाती है? कम हो जाती है जब मरने वाला होता है। याद देखो भाई आंसर आपका प्रौढ़ पौधे एवं परिपक्व ऊतक, आंसर पहला हो जाएगा आपका। स्वस्थ पादप की तुलना श्वसन दर होती है, श्वसन दर क्या होगी जिसमें रोग हो लग जाएगा, जिस पौधे में रोग लग जाएगा उसमें श्वसन दर क्या होगी? जल्दी से बताइए। बताओ भाई क्या होगा आंसर? जल्दी से बताइए। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, जो रोगी पौधा होगा उसके अंदर क्या होगा? अधिक हो जाएगा। रोगी पौधे के अंदर क्या होगा भाई? अधिक हो जाएगा। रोग रसी पौधा जो होगा उसमें स्वास्थ्य तुलना में स्वस्थ क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है, जो स्वस्थ रहेगा उसका स्वस्थ कम रहेगा, स्वस्थ। लेकिन अभी जो उसके पहले पहले क्वेश्चन कराया उसमें आपने देखा कि जो प्रौढ़ पौधे होते जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसकी तबियत खराब नहीं, वो पिछले वाले क्वेश्चन में था। यहाँ रोगी के बारे में बात कर रहा है, जो पिछला क्वेश्चन था बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। जो पिछला क्वेश्चन था वहाँ नॉर्मल पौधा था लेकिन उसकी उम्र बढ़ रही थी, नॉर्मल पौधा था उसकी उम्र बढ़ रही थी, उसके टिश्यू परिपक्व हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो रोग ग्रसित पौधा है उसमें स्वस्थ पौधों की अपेक्षा जो श्वसन दर होगी वो अधिक हो जाएगी। आंसर आपका पहला हो जाएगा। तो कंफ्यूज ना हो जाए पहले और इस वाले क्वेश्चन में, दोनों में सिंपल चीजें हैं, कंफ्यूजिंग हो सकता है तो बार बार आप रट के जाओ, क्वेश्चन यही आएगा, अगर आएगा तो, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है नेक्स्ट। देखा बच्चों, किस पदार्थ के प्रति इकाई भार में सर्वाधिक ऊर्जा निहित होती, मतलब सबसे मैक्सिमम एनर्जी हमें किससे मिलती है? मतलब आप थोड़ी सी चीज खा लो आपको पूरी एनर्जी मिल जाए, बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी मिले। बच्चों याद करें, सबसे ज्यादा एनर्जी हमें फैट से मिलती है, वसा से मिलती है सबसे ज्यादा एनर्जी। हम वसा ज्यादा नहीं खाते, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, लेकिन हमें सबसे ज्यादा एनर्जी जो मिलती है वसा से मिलती है। मतलब आप 20 रोटियां खा जाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप 2 चम्मच घी पी लीजिए तो उसकी वैल्यू कुछ ज्यादा है। 2 चम्मच आप घी पी लीजिए उसका मतलब अलग है, 20 रोटियां आप खा लो उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा एनर्जी तो देगा, क्योंकि हमें लगता है 20 रोटियां खा लेंगे तो पेट इतना बड़ा हो जाएगा बिल्कुल पूर करके। उससे मतलब नहीं कि आपका पेट कितना निकल रहा है, मतलब इससे कि आपकी सेल को एनर्जी, आपकी हड्डियों में एनर्जी सबसे ज्यादा दे कौन रहा है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी आपको वसा देगा। ऐसा नहीं कि आप 25 रोटी खा रहे हैं, 1 क्विंटल चावल खा लिया, पेट निकल गया, इतना बड़ा बिल्कुल मोटे चल रहा है, कोई मतलब नहीं। आप 2 चम्मच घी डेली खाइए, बिल्कुल आपके अंदर पूरी एनर्जी मेंटेन रहेगी, पूरी एनर्जी मेंटेन रहेगी। इसी वजह से लोग खाना खाते समय अक्सर घी का इस्तेमाल करते हैं, जबकि खाना तो पूरी थाली में भरा होता है, रोटी भी होती है, 8-10 चावल होता है, सब्जी होता है, दाल होती है, बट मस्ट बी रिक्वायर्ड ऑफ घी। अगर आपके पास है आप दही खा लिए उसमें फैट होता है, कोई भी चीज आप उसको अगर आप डाइट में शामिल करते हो तो बिल्कुल आप फिट हो, बिल्कुल स्वस्थ हो। ठीक है, तो पहला आंसर आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट।
सबसे ज्यादा एनर्जी। चलो चौथा सवाल देखो बच्चों, यहां पे आर क्यू होगा बच्चों, देख लो जरा यहां पे आर क्यू होगा, ठीक है। देखा एक सूक्ष्म जीव अनाशी विधि से कार्बोहाइड्रेट को अपनी ऊर्जा का स्रोत लेता है, तो बच्चों याद रखना हमेशा अनाशी शोषण में एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में इनफाइनाइट अनंत बनता है। कितना बनेगा? अनंत। क्या होगा बच्चों? अनंत बनेगा। ये सवाल बहुत जबरदस्त है, अनंत बनेगा। 0.7 हो जाएगा बच्चों किसमें? प्रोटीन में। 0.7 बनता है किसमें बच्चों? आर क्यू प्रोटीन। 0.9 किसमें? सॉरी यहां पे उल्टा हो गया थोड़ा, यहां पे आपका क्या हो जाएगा? यहां पे भी कितना हो जाएगा? फैट का। ये हो जाएगा फैट, ये आपका हो जाएगा प्रोटीन, ये आपका प्रोटीन, ये आपका हो जाएगा कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल में हो जाएगा। और ये बच्चों हो जाएगा अवायवी श्वसन में, अवायवी, अवायवी श्वसन में एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। अवायवी श्वसन का जो श्वसन गुणांक होता है, अवायवी श्वसन का श्वसन गुणांक इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है, अनंत माना जाता है। अनाशी लिखा बच्चों, अनाशी का मतलब अवायवी होता है, अनाशी बोलो अवायवी बोलो बात बराबर है, अनंत हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है नेक्स्ट। चलो भाई देखा, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में सबसे अधिक हाइड्रोजन ग्राही कौन होता है? जल्दी से बताइए, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन? हाइड्रोजन ग्राही। बच्चों हमेशा याद रखो, हाइड्रोजन ग्राही आपका एनएडी होता है, हमेशा क्या होगा? एनएडी। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में हमेशा जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होगा, हाइड्रोजन ग्राही होगा, वो हाइड्रोजन ग्राही हमेशा एनएडी होगा। और एनएडी का पूरा नाम मैंने बताया है, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एनएडी का नाम होता है, तो पूरा नाम याद कर लें। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में सबसे अधिक हाइड्रोजन ग्राही, सबसे अधिक हाइड्रोजन ग्राही होता है, जल्दी बताइए। अब ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहां चलता है? बताइए भैया ये कहां चलेगा बच्चों? ये हमेशा चलता है माइटोकॉन्ड्रिया के, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां चलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के, माइटोकॉन्ड्रिया के अंतः परत में, अंतः परत में चलता है, इनर मेम्ब्रेन में, अंतः परत में चलता है ये जो तंत्र होता है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में चलता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अंतः परत में चलता है। मतलब अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बनाइए, माइटोकॉन्ड्रिया आपकी बाहरी परत है, ये भैया आउटर है, आउटर, और जब आप अंदर वाली बनाते हो, अंदर वाली, तो अंदर वाली आपकी ऐसी चलती है, ऐसी चलती, ये अंदर वाली परत पे, यही जो अंदर वाली है, अंदर वाली इनर वाली, इसी इनर वाली मेम्ब्रेन पे चलता है, इनर मेम्ब्रेन। किसमें चलेगा बच्चों? इनर मेम्ब्रेन में चलेगा, अंतः परत। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंतः परत पर इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र चलता है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाली परत में चलता है, ये भी आप याद कर लें, अंतः परत में चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में चलता है। तो अगला सवाल लिखा बच्चों, किण्वन फर्मेंटेशन क्रिया होती है, लिखा है किण्वन या फर्मेंटेशन क्रिया होती है, कहां चलेगी भाई? बताओ भैया, ये चलती है कुछ जीवाणु, कुछ कवक तथा कुछ जीवाणु में, सभी में नहीं चलेगा, कुछ कवक, तो लिखा समस्त जीवाणुओं में, बिल्कुल गलत, समस्त जीवाणु में नहीं चलेगा, समस्त कवक में, बिल्कुल गलत, समस्त सूक्ष्म जीवों में, बिल्कुल गलत, कुछ जीव में, कुछ कवक, कुछ जीवाणु में यह फर्मेंटेशन किण्वन की वृद्धि प्रक्रिया चलती है। ये सवाल ऐसे पूछे जाएंगे, ये वही कर पाएगा जिसने इस क्वेश्चन को किया होगा, जिसने ऐसे क्वेश्चन को हैंडल किया होगा, जिसने कभी ऐसे क्वेश्चन को करने का प्रयास किया होगा, वही ऐसे सवाल को कर पाएंगे। और सारे बच्चे बिल्कुल आंसर समस्त जीवाणुओं में ठोकर के आएंगे, मार करके आएंगे, ठीक भैया, ठीक है। तो आंसर आपका तीसरा हो जाएगा, सवाल जबरदस्त है, सोल्यूशन भी जबरदस्त है, रट के जाओ बिल्कुल। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं क्या है। देखिए बच्चों यहां पे ऊर्जा उपापचय में निम्न में से किसका योगदान अति आवश्यक है? बताओ भाई, सोच के देखो मैंने कितना क्वेश्चन करा दिया आपको, मैंने प्लांट फिजियोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, मतलब इतना करा दिया पूरा चैप्टर आपका कवर हो चुका है पूरा। अभी जो क्वेश्चन और होंगे वो मैं आपको टेस्ट में लगातार देता रहूंगा, जो टेस्ट संडे संडे चल रहा है उसमें आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराता रहूंगा, ठीक है। तो आप कोशिश करके इस पूरे क्वेश्चन को रिवाइज करिए, पूरे चैप्टर को हम लेकर के आए, आपका फास्फोरस हो जाएगा। ये आज आपका अंतिम सवाल है, लास्ट सवाल है आपका, क्वेश्चन करके फिर आगे तुरंत पढ़ेंगे हम लोग, मतलब मान के चलो कि 20 तारीख तक।